धातुओं में विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रॉन मॉडल, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कहा जाता है। अभी जैसे कि पहले आपने जाना होगा कि किसी ठोस धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा चालक में होता है आवेश का प्रवाह, द्रव में धनायन और ऋणायन के माध्यम से होता है, गैस में आवेश का प्रवाह धनायनों और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। तो जैसे ये चालक है, परमाणु हैं, निश्चित दूरियों पर सजे हैं, अंतराकर्म परमाणु बलों के द्वारा बंधे हैं, इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन चूंकि आकर्षण बल कम होता है, फ्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो जब इधर उधर गति करेंगे तो ये आपस में टकराते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा जिसकी संभावना कम होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे कि इस धनायन से टकरा सकता है, इधर जा रहा है इस धनायन से टकरा सकता है, इस दिशा में चला तो यहाँ से भी टकरा सकता है, और थोड़ा सा इधर को आएगा तो सीधे निकलकर आगे जा सकता है, जैसे कि ये नीचे यहाँ से ये और यहाँ से ऐसे टकरा सकता है। और टक्कर का मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधे इससे टकराएगा, जैसे किसी वस्तु की टक्कर हम देखते हैं तो ऐसी ये टक्कर नहीं है, क्योंकि जैसे ये धनायन है इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, और ये इलेक्ट्रॉन है जो इधर से आ रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन के करीब जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश से इस पर प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, तो अपनी गति के कारण इन इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण से ये इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, इसकी दिशा बदल जाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर टक्कर हुई कि दिशा इसकी दिशा बदल जाती है। जैसे कि दो वस्तुओं की टक्कर हमने पढ़ी थी, प्रत्यास टक्कर, अप्रत्यास टक्कर, पूर्णतया प्रत्यास टक्कर, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और धनायन इनकी टक्कर है वो एक तरह से पूर्णतया प्रत्यास्त होती है, ऐसा मानकर चलिए। यानी जो टक्कर है वो सीधे टक्कर नहीं है, वो वैद्युत क्षेत्र रिपल्सन प्रतिकर्षण बल के रूप में है, इलेक्ट्रॉन समीप आएगा, प्रतिकर्षण बल दूर चला जाएगा। ये किसी चालक पदार्थ में इधर उधर लगातार गतिशील रहते हैं। तो यहां इन इलेक्ट्रॉनों के टक्कर में कितना समय लगा है इसको जानना सामान्य काम नहीं है। एक टक्कर में ये इलेक्ट्रॉन कितनी औसत दूरी तय करेगा ये भी हम सीधे नहीं बता सकते हैं। इन राशियों को औसत तरीके से निकाला जाता है। एक भौतिक राशि होगी माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, यानी जैसे यहां से ये चला, यहां से चला, यहां से चला। अब एक इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए एन टक्कर होती है, तो एन टक्कर में जितनी टोटल डिस्टेंस तय हुई एन से डिवाइड कर देंगे तो उसे हम माध्य मुक्त पथ कहेंगे, लैम्डा। ऐसे ही माध्य श्रांति काल, श्रांति काल मतलब एक तरह से विश्राम काल कहिए इसको, यानी यहां से यहां तक दूरी तय हुई और कितने समय में, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की टक्कर टॉय वन समय में हुई,
इसके द्वारा तय की गई दूरी लैम्डा वन है। दूसरी टक्कर में इसी की टॉय टू दूसरी समय में लैम्डा टू औसत दूरी हो सकती है। तो टोटल जो टक्कर हैं उनका औसत जो समय अंतराल है टॉय वन प्लस टॉय टू प्लस टॉय थ्री प्लस टॉय एन तक बटे एन करके। ऐसे ही जो मुक्त पथ है औसत वाला वो ये निकाला जाएगा, इन सबको जोड़कर औसत पथ निकाला जाएगा। अब अगर इस चालक के सिरों पर एक वोल्टेज लगा दें, वी वोल्टेज मान लीजिए हमने लगाया है और टोटल लंबाई एल है, तो वैद्युत क्षेत्र यहां उत्पन्न हो गया वी अपॉन एल, विभव परवणता प्लस माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस दिशा में भी वोल्टेज घटता जा रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभवांतर घटता है, इसलिए यहां माइनस का साइन भी आता है। विभव परवणता इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे भी हमने कहा था माइनस डी वी बाई डी आर, स्मॉल डिस्टेंस डी आर पर डी वी चेंज इन वोल्टेज हो। तो इन सबको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, चित्र बनाकर अलग अलग तरीके से पढ़कर, कोई बात समझ में नहीं आई खूब पूछिए। तो अब जैसे वोल्टेज लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा, बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन इधर उधर गतिशील थे, इस दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन परमानेंट नहीं जा रहा था, किसी भी दिशा में नहीं जा रहा था, बस इधर उधर गतिशील थे, और उन सब का औसत वेग शून्य था। लेकिन जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे, बल लगेगा, तो बल के कारण इलेक्ट्रॉनों में बल की दिशा में त्वरण पैदा होगा, त्वरण ए एफ अपॉन एम, ये त्वरण पैदा होगा, और त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और त्वरण मान लीजिए ए इधर है, तो अब इसकी इसका जो वेग परिवर्तन होगा वो इस दिशा के बजाय ये ऐसे चला जाए, इस जाना शुरू हो जाएगा, इस दिशा में जाएगा। जैसे गुरुत्व त्वरण जी नीचे की ओर होता है और ऐसे हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो इस त्वरण के कारण नीचे की ओर चलना शुरू हो जाती है, और पढ़ा है प्रक्षेप का पथ परवलय आकार होता है। तो समझिए कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक नियत लगाया है, वैद्युत बल इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है, अगर बल की दिशा में ही कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा था तो फिर तो उसी दिशा में तेज होना शुरू हो जाएगा, और बल की विपरीत दिशा में जा रहा था तो उसका वेग घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर त्वरण की दिशा से भिन्न दिशा में जा रहा था तो वो अपनी दिशा से थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होगा, और कुल मिलाकर चूंकि बल इधर लगा है इसलिए इधर उधर गतिशील होता हुआ धीरे 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 इधर चलेगा, धीरे धीरे बल की दिशा में चलेगा, धीरे धीरे क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलेगा, और इस धीरे धीरे चलने के वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, खिसकने का वेग। ये अनुगमन वेग कौन सा वेग है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, बल की दिशा में इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, रास्ते में आए हुए धनायनों या इलेक्ट्रॉन से टक्कर होती है, उनकी गति की दिशा बदलती है, और अल्टीमेट चूंकि एक लगातार बल लगा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो बल की दिशा में
धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वोल्टेज लगाएंगे तो बढ़ेंगे धीरे धीरे, जब तक वोल्टेज नहीं लगाया था कभी इधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे, तो वोल्टेज के कारण बल की दिशा में धीरे धीरे आगे चलने लगे। जो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं उसी को हम अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कहते हैं। तो अनुगमन वेग क्या है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भौतिक राशि है चालकों के लिए, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे।